खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां 2 मार्च को कोतवाली देहात के गांव नगला समल में बाघ को देखा गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। इसके बाद बाघ रविवार को एक बार फिर गली में लोगों को देखने को उस वक्त मिला, जब गली से निकल रहे 13 वर्षीय बच्चे पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। अनन-फनन में ग्रामीणों ने बच्चों को बाघ से छुड़ा लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं किशोर की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। दरअसल सुबह 7 बजे से बाघ को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलीगढ़ मंडल से आई वन रक्षक अधिकारी अदिति शर्मा के नेतृत्व में आगरा वन विभाग समेत 4 जिलों की टीमें लगाई गई, जिसमें 3 चिकित्सकों की टीम के साथ केंद्रीय अधिकारियों और एटा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ी कानून व्यवस्था के साथ बाघ को ट्रैक्यूलाइजर दवा से बेहोश कर पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली गई है। अदिति शर्मा ने बताया कि रविवार को चौथे दिन बाघ को पकड़ा गया है, जिसकी छानबीन की जाएगी ताकि ये कहां से आया उसका पता चल सके। एक बच्चा घायल हुआ है, उसको बहुत ज्यादा चोट आई है, जो कि सेफ भर्ती कर दिया गया है। और एक व्यक्ति और भी बताया जा रहा है, उसकी नहीं पता, लेकिन उसको तो 8 टांकर आए हैं, जहाँ पे उसके पंजा लगा है या फिर उसके चेहरे से हमला हुआ है। तो ये कब से ये बाघ यहाँ पर है? ये तकरीबन एक मतलब 5-6 दिन से बताया जा रहा है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन आज सुबह 4:30 बजे के समथिंग एक भैंस की मतलब भैंस के एक लेडीज भैंस को चारा डालने जा रही थी, वहाँ देखा गया था। उसके बाद हल्ला हो गया, उसके बाद गांव ग्रामीणों ने रौंदा था, गेहूं में घुस गया, उसके बाद यहां आके बैठ गया। जब बच्चे पर हमला हुआ था तो बाघ किस जगह था? ये बाघ भाग रहा था, उसके पीछे थोड़े का मतलब आदमी थे, जनता थी, भाग रही थी और ये भाग रहा था, उसने बच्चे पर हमला कर दिया। उसके बाद छत पर चढ़ा, उसके बाद यहाँ छत पर चढ़ा था, बहुत ज्यादा पीछे थे। छोटा सा भूस का कमरा था, उसके ऊपर बैठा था, बाद में ये अंदर चला गया था। अब इसको केमिकल दे करके, दवाई दे करके हमने दूर से इंजेक्शन, जिसको ट्रैंकुलाइज कहते हैं, ट्रैंकुलाइज करके बेहोश कर लिया है। अब बेहोश करने के बाद इसको फिर होश में लाने की दवाई भी दे दी जा चुकी है और अब हम इसको एक सेफ सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अब इसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद चेक करेंगे ये ठीक है क्या है, उसके बाद जो भी आगे निर्देश उनको दिए जाएंगे और टीम हमसे डिस्कस करेगी, उसके अनुसार आगे हम डिसीजन लेंगे। कितने घंटे में ऑपरेशन किया गया मैडम? देखिए सुबह 7 बजे के लगभग खबर मिली थी और अभी मैंने टाइम नहीं देखा, लगभग 3:30 बज रहे हैं जी। तो अब समय आप निकाल लीजिएगा, इतना समय लगा है। हमारे साथ प्रशासन की टीम, हमारे साथ पुलिस की टीम और SDM साहब थे, CO साहब थे, सारे लोग हमारे साथ थे और मैं कहूंगी कि गांव वालों का भी काफी सपोर्ट था, मीडिया का सपोर्ट था। आप सभी लोगों के सहयोग से ये सिचुएशन मैनेज हो पाई है और हम बाघ को सुरक्षित इस गांव से नगला संभल से।